सो हेलो गाइस, साथ में खेलूंगा एप सॉल के साथ। सो साइड में जा रहा है भेगे निंजा एंड इधर है हमारे पास आर रीपर। सो गाइस, हमारे में बस दो डिफेंडर है जिसमें एक सपोर्टर होना चाहिए था। इनको बोलना पड़ेगा लग रहा है, पर गेम ही शुरू हो गई है तो क्या ही बोलेंगे। सपोर्टर नीडेड कर देता हूँ कोई, अगर कर ले तो फिर देखते हैं। बाकी मेरे को लग रहा है स्नोलैक्स की कोई स्किन होगी ना उनके पास। गाय मेरे को गार्चोम का तो पहले ही पता चल गया था कि उनके पास पक्का ये वाली गार्चोम की हैट वाली स्किन होगी, इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले ये अपना गार्चोम लगाया था सार्वी पर ने। सो मेरे को लग रहा है सार्वी पर ना ड्रैगनाइट को अच्छी टक्कर दे सकता है, और हमारा ग्रेनिंजा ग्रेनिंजा को दे दे तो सही रहेगा। और बाकी उनकी टीम में कोई स्वीट स्टार नहीं है तो मैं मैचैम्प को मारूंगा। और बाकी ये स्नोलैक्स पता नहीं बीच में जाके क्या करेगा। गाइस ये बीच में क्यों आ रहे ये दोनों, गाइस पता नहीं क्या हो गया इन्हें, क्या भाई क्या स्नोलैक्स। उधर स्नोलैक्स को देखूं तो इधर फ्रोकी लगा पड़ा है। भाई तुमने मजाक समझ रखा है क्या, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऊपर जाके ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि ऊपर बेचारा एक फ्रोकी जा रहा है। मेरे को लग रहा है क्रेसल भी नीचे ही गया है गाइस, स्नोलैक्स भी नीचे ही गया है, तो हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा, वो अकेले अकेले पक्का मर जाएगा। बाकी देखिए फ्रोकी मरने भी वाले मेरे को लग रहा है। नो गाइस, फ्रोकी नहीं मर रहा है, पड़ जा फ्रोकी पीछे, हटो यार। मैं कराटे चॉप वर्सेस स्लैश करना चाहता था। सो मेरा नाइट स्लैश आ चुका है, अरे यार स्लो ब्रो ने गाइस मुझे मार दिया। बस ये फ्रोकी भी मर जाएगा पक्का, अभी एक सर्फ स्लो ब्रो की और फ्रोकी भी गया, क्योंकि स्लो ब्रो ने अब 5 लेवल बना लिया है। हमारे स्नोलैक्स का भी 5 लेवल है, सबका 5 लेवल है ऑलमोस्ट, मतलब मेरा भी 5 लेवल ही है। बाकी मेरे को तो इनको मारना है, यही मेरा वो है एम, और सबसे बड़ा एम ये है कि मेरे को पिकाचू को मारना है, और मेरे को 6 लेवल भी करना है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6 लेवल तो हो चुका है, अब इसको मार के इधर से एक स्लैश जो लगता है कराटे चॉप। अब ये मेरा 5 गोल मिलते ही मेरा हो जाएगा। सो अभी मैंने लिया है सकर पंच, और इधर सकर पंच मार देते हैं पिकाचू को। गाइस स्लो ब्रो वापस हमें कूद देता, गाइस उसको तो कूद दिया है, मेरे को मैं बच गया हूँ बस इधर। अरे यार पास मत खींच लियो, बस ये ले आई इधर आ। अरे हटाओ यार स्लो ब्रो को, इधर गेम से ही हटाओ भाई। स्लो ब्रो क्या स्टन मार रहा है यार मुझे तब से सर्फ से। बाकी हमारा भेगे निंजा नहीं बना है ये अभी तक, डबल टीम मार मार के काम चला रहा है। और मेरा 8 लेवल भी होने वाला है, बस मेरी यूनाइट आ जाए ना स्लो ब्रो के, सीधा मुंह पे चलाऊंगा यूनाइट। भाई तब से दिमाग खा रहा है यार, सर्फ चला चला के पूरी हेल्थ मिल रही है इसको। हाँ भाई आधा मर गया, बाकी का मैं मार देता हूँ, मार दिया ना बस सही है। एक सकर पंच, एक ये ग्रीन निंजा का किल चोरी, एक सकर पंच, एक नाइट स्लैश, एक सकर पंच, नाइट स्लैश, सकर पंच,
सकर पंच अरे यार स्लोब्रोन आ जाए बस और वो ये स्टील कर ले। तो ये तो भैगे निंजा ने मार दिया है भाई 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 भाई, 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 भाई। ये लो तो गाइस मैं इधर मार के थोड़ी सी हेल्थ ले रहा हूँ। गाइस से थोड़ी सी मिली है, अभी स्लोब्रो इधर आ रहा है हमारे पास। साजा भाई स्लोब्रो हमने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। ओ भाई 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 भाई, भाई। तेरी हेल्थ भाई क्या हुआ, स्लोब्रो के होश छोड़ गए क्या? तो अभी इधर ऐसे करके ही चले जाते हैं। बाकी नाइट स्लैश का तो मेरा पूरा गोल्ड हो गया है। बाकी नीचे ड्रैगोस ड्रैगोस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। नीचे ड्रैगो का अपना वो ही अलग हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है तू ड्रैगो, मतलब तुझे समझ नहीं आती एक चीज़, तब से लगा होगा ना ये। मेरे को लग रहा है इनका ग्रे निंजा पक्का स्टील करेगा ये, पर मैं करने नहीं दूंगा। और करा तो नहीं, मतलब इधर ड्रैगोस ट्रैगोस ज़्यादा आ गए और अब इधर भागना पड़ेगा भाई 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 भाई। सो गाइस ग्रे निंजा इधर मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गया था। सो अभी इधर क्या, नहीं नहीं हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ। सो गाइस मेरा 12 लेवल हो चुका है। बेचारे क्रिस्टल की यूनाइट ही चली गई। गाइस रेगेले की को भी लेना चाहिए हमें, पर मन तो नहीं कर रहा है रेगेले को लेने का, क्योंकि कोई नहीं ले रहा है। बाकी हमारा निंजा गया है 40 पॉइंट के साथ, बस वो मर ना जाए। मर गया तो हमारी पूरी गेम चली जाएगी। और बाकी ये इधर से एब्जॉल भी आ गया इधर। सो गाइस उस बार की तरह ग्रे निंजा ने वापस ये ले लिया। हाँ भाई मैं आगे चलूँ है ना। सो गाइस मेरी टीम में से मेरे को लग रहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा लेवल है इधर। और ग्रे निंजा तू भी जल्दी से गोल कर ले उधर, किधर भी कर ले। सो गाइस मैं लास्ट हो गया है अभी, तो लास्ट में 28 गोल्स कर लेते हैं जो 56 बन जाएंगे। और इधर से स्लोब्रो भाई साहब जा रहे हैं। सो अभी इधर मैं ये वाला लेके इधर गोल करने निकलूँगा, पर स्नो लैक्स घुस चुका है इधर। भाई बीच में उनका ग्रे निंजा ना खा जाए, हमारा ग्रे निंजा पेपर गया हुआ है। भाई यार बस अब ये ड्रैगो भी गया है एक बारी में।
भाई ड्रैगो भी गया, सब गए। बस अब जल्दी से 50 का गोल मारना है किसी के आने से पहले। बस निंजे इधर मत आइए। ओए यार गाइस पिकाचू आ गया। अरे भाई भागो भागो यार प्लीज। यार गाइस मैं मर गया, उनके टीम मेट सब आ गए। बाकी हमारा गार्चोम 13 लेवल का है, मैंने उसको तो देखा ही नहीं, वो कहाँ पे छुपा हुआ था। बाकी उसके 6 लेवल भी, हमारे सोलैक्स का फ्लेल प्लस ब्लॉक है जो अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। और हमारा उनका मैचैम्प, हमारा नहीं उनका मैचैम्प। बस हमारा निंजा 35 गोल्स करने वाला था, पर उतने में ही इनका निंजा आ गया और हमारे निंजा को मार दिया, शायद से नहीं मारा गाइस, मार दिया लास्ट लास्ट में मार दिया इसने निंजा। रिवेंज भी लाइक भाई ऐसी रिवेंज ही होती है निंजा की। और बाकी हमारी टीम इधर जीत चुकी है बहुत अच्छे से। और इधर मेरे को दिख नहीं रहा है कि एब्जॉल का अच्छा आया है कुछ भी, कुछ भी क्या भाई। 87 91 भाई स्नोलैक्स को जिता रहे हो तुम, कुछ भी करोगे। उसको 2 लाइक्स दिए, मेरे को भी दे दो लाइक। मोमो जी मैं सबको लाइक दे रहा हूँ भाई, एक एक कोई मुझे भी दे दे, सबको फ्रेंड भी भेज देता हूँ, कोई तो उठा ही लेगा। सब भाई के साथ इतनी थी, बाय।